जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम उपस्थित हुए राम अवतार मिश्रा और सिंह राशि सितंबर माह का राशिफल लेकर वैद्य ज्योतिष संस्थान में दोबारा स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सिंह राशि सितंबर माह का राशिफल क्या रहने वाला है, कैसा आपको इसमें योग बन रहा है, देखते आइए जानते हैं। सबसे पहले इसमें फेस्टिवल क्या है आपके वो जानना चाहते हैं। इसमें 7 तारीख को अमावस्या है, अमावस्या की पूजा करें पितरों के लिए। 10 तारीख गणेश उत्सव है, गणेश जी का आगमन हो रहा है, गणेश जी की पूजा करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। 20 तारीख को पूर्णमासी भगवान विष्णु की पूजा करें, उनके आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, ऐसी हमारी कामना है। सिंह राशि वाले जातक बहुत हट्टिक होते हैं, उनको समझना पहचानना बड़ा कठिन होता है। जो समझ गया, जो जान गया, वो व्यक्ति पार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति स्पष्ट वक्ता होते हैं और स्ट्रेट वाणी बोलने वाले होते हैं। वो किसी के सामने झुकते नहीं हैं और गलत बर्दाश्त नहीं करते हैं, ना किसी की चमचागिरी करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए तहे दिल से योग बना हुआ, मंगल सूर्य अपने लग्न में विराजमान है, सिंह राशि में विराजमान है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके लिए सरकार से, सेनापति या कोई कंपटीशन में जो आपने भाग लिया है, या कोई भूमि से आपका काम फंसा हुआ है, या कोई धन आपको लेना है, इस महीने आपके योग बन रहे हैं, आपको मिलेगा और आप उससे खुश रहेंगे। शुक्र बुध आपके उच्च के हो गए हैं, तो दोस्तों से और कुटुंब से आपको धन की प्राप्ति होगी। बंटवारा से आपको सही निर्णायक रिजल्ट मिलेगा, आप उससे संतुष्ट रहेंगे और आपका काम होगा। चतुर्थ में आपका केतु विराजमान है, यश में क्या है, जो विद्यार्थी हैं जो उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा माँ के लिए चिंता रहेगी और दुख रहेगा, या कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होगा जिससे आप भयभीत होंगे। शनि आपके षष्ठ में विराजमान है, ऐसे में शनि आपके शत्रुओं को खत्म करेगा, आपको शुभ समाचार देगा। गुरु आपके सप्तम में विराजमान है, गुरु आपका सत्वगुणी जीवन जीने के लिए मार्गदर्शक करेगा। पत्नी आपकी धार्मिक होगी, जिससे आप व्यापार करेंगे, साझेदारी करेंगे, उससे आपका शुभ संकेत दिखाई दे रहा है सिंह राशि वालों के लिए। दूसरा, राहु आपका दशम में विराजमान है, तो ऐसे में क्या है कि आपका जो सोच जो पहचान बहुत हाईफाई लोगों से होगी, पाश्चात्य देशों से आपका धन का लाभ होगा और कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा योग बनेगा। बशर्ते सिंह राशि के लिए भगवान सूर्य की पूजा करनी है, लाल कपड़ा रविवार के दिन पहनना है और एक तांबे के लोटा में जल, गुड़ और चावल और रोली भर के थोड़ा डालकर और सूर्य रख देना भगवान सूर्य को, तो उससे सूर्य ग्रह आपके प्रसन्न रहेंगे। संडे के दिन घर में कोई चीज़ किसी चीज़ का दान न लें और सूर्य को प्रसन्न करने के लिए अर्घ दें और आज तथा स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं, उससे भी आपको सफलता मिलेगी। यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार नहीं चल रहा आपका, दुकान है दुकान नहीं चल रही है, या कोई नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, उसके लिए आप एक शक्तिशाली माणिक रत्न होता है उसको धारण करेंगे, उससे आपको सफलता मिलेगी और कामयाबी मिलेगी। समय के हिसाब से क्या होता है, ज्योतिष साथ तीसरा नेत्र है, वो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा और जो भी आप बोएंगे वो आप काटेंगे। ऐसे व्यक्ति सेनापति, सेना नायक, पुलिस में और मिलिट्री में और सरकार से तैनात रहती है, इनको सफलता मिलती, अच्छा योग बनता है। बशर्ते कोई आपके प्रश्न ऐसा चल रहा है, कोई जानना है, तो समय के हिसाब से आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी सिंह राशि वालों के लिए सितंबर माह का राशिफल बहुत अच्छा है, भाग का सपोर्ट है और मित्रों से सपोर्ट मिलेगा और कुटुंब से भी सपोर्ट मिलेगा और कोई साझेदारी आप करना चाहते हैं वो भी आप कर पाएंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बशर्ते आप भगवान शिव का भी आराधना कर सकते हैं, उनसे भी आपको अच्छी कृपा बरसेगी। इसलिए दर्शकों, अपने मंगल जो लगन में बैठने से क्या है कि मंगली योग बनाता है, तो कभी कभी आप जिसको चाहते हैं, प्यार करते हैं, लग्जरी का, उनको स्त्रियों का आपको सम्मान करना है, स्त्रियों से लड़ाई करते हैं तो आपको कहने के धनहानि मानहानि हो सकती है, स्त्रियों से आपको प्यार से पेश आना है और जो बुजुर्ग वर्ग होते हैं उनका आपको सम्मान करना है, तभी आपको अच्छा योग बनेगा। अपना ध्यान रखें। गुड लक। जय माता दी।